मेष राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। जमकर मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। प्रतिष्ठा बढ़ती दिखाई दे रही है, प्रमोशन की कोशिश करने का भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन क्रोध आने से नुकसान हो सकता है और पिता के साथ वैमनस्य ना हो, उनके स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, पक्षियों को दाना और पानी जरूर दीजिएगा। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर तो चिंताएं ला रहा है, लेकिन ये प्रतिष्ठा धन आदि के लिए दिन अच्छा है। कोई अच्छी बात हो सकती है, कोई महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है, किसी से मेल मुलाकात होने से भी आपको अच्छा लगेगा, लाभ होगा। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन वजन मत उठाइएगा, बहुत देर बैठिएगा नहीं, बहुत देर खड़े मत रहिएगा और कमर का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, अर्घ्य स्त्रोत का पाठ करके अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। यह दिन दुर्घटना के संकेत दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। खास तौर से आग केमिकल्स पर काम कर रहे हैं या वाहन चला रहे हैं, ध्यान रखें। इस दिन की विशेष सावधानी आपको रखनी होगी और वो रखनी है भाषा को लेकर। गर्मी बहुत है, कहीं नुकसान न कर बैठे आपकी भाषा आपका। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर करने के लिए, मसूर की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। कर्क राशि, परिवार में खटपट ना हो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अलर्ट रहें। गलत काम मत करना, झूठ मत बोलना, किसी की झूठी गवाही मत देना और अपने पेट का ख्याल रखना। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन नई मित्रता मत जोड़िएगा या किसी मित्र पर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप चींटियों को आटा देना मत भूलना। सिंह राशि, लाभ का दिन है, मेहनत करने से आपको फायदा होगा। बस एक सावधानी बरतनी होगी, इस दिन यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो बहुत ध्यान से चलना होगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, सूर्य को जल दीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, यह दिन प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। जो लोग राजनीतिक सामाजिक जीवन में हैं उन लोगों के लिए यह अच्छा रहेगा, लेकिन माताजी की सेहत के लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। घर के लोगों की सेहत या परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। सावधानी, इस दिन किसी की झूठी गवाही मत दीजिएगा। और उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, मिश्री का दाना अवश्य कर दें, बाकी प्रभु जी सब ठीक करेंगे। तुला राशि, यह दिन अच्छा है, आगे बढ़ने के आपको अवसर मिलेंगे, मन थोड़ा बेहतर होगा, परंतु कुछ सावधानियां चाहिए। एक तो यदि आपको हृदय या कमर की कोई दिक्कत रहती है या आपकी माँ को कोई परेशानी चल रही है तो आपको ज्यादा अलर्ट रहना होगा। एक उपाय कर लीजिएगा, ओम नारायण नमो नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। आप अपने गले का, सांस का, पीठ कमर का थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद कमजोर है। धन की दृष्टि से भी यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए सोच समझ के खर्च कीजिएगा। लेकिन एक सावधानी बहुत विशेष है और वो ये है कि इस दिन अपना कीमती सामान संभाल के रखें और वाहन ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप उड़द की दाल का दान किसी जरूरतमंद को जरूर कर दीजिएगा। यह दिन आपके लिए अच्छा है, धन कहीं से प्राप्त तो हो सकता है, कुछ अन्य किस्म का लाभ भी आपको इस दिन मिल सकता है। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपने पेट का ख्याल जरूर रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, एक तो गरिष्ठ भोजन मत कीजिएगा और दूसरी चीज हल्दी का तिलक लगाकर ओम नारायण नमो नमः का जप करके फिर काम पर जुटिएगा। मकर राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, तरक्की हो सकती है, कुछ अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है, आप कुछ रूठे हुए लोगों को मना भी सकते हैं, तो कुल मिला के दिन अच्छा है। बस एक सावधानी आपको रखनी होगी और सावधानी यह है कि आप अपनी माताजी का ख्याल रखें, उनसे मतभेद ना हो और अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप चींटियों को आटा जरूर खिला दीजिएगा। कुंभ राशि, यह दिन भाग्य पक्ष को थोड़ा सा टेस्ट कर रहा है, यानी वैसे ठीक है आपका भाग्य पक्ष, लेकिन यह जरूर टेस्ट कर रहा है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और करते रहते हैं धैर्य के साथ। यदि ऐसा किया आपने तो लाभ जरूर होगा। बस एक सावधानी रखना, इस दिन कोई भी बड़ा निर्णय किसी भी चीज से जुड़ा हुआ हो, चाहे बिना बुजुर्गों की या गुरु की सलाह के मत लेना, बस इतना ध्यान रखना। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, पांच फलों का दान कीजिए, आनंद से दिन कटेगा। मीन राशि,
स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन ज़रूर कमज़ोर है, लेकिन बाकी सभी तरीके से ये दिन अच्छा ही माना जाएगा। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है इस दिन में, लेकिन फिर भी आपको लाभ मिलेगा। सावधानी क्या रखेंगे, ये दिन धन के लिए थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए अपने धन का ख्याल रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः का जप कर लें, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।